राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला, बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने हजार करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए, एक सबूत नहीं है इनके पास। ये पूरे देश के अंदर ही हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से झूठे केसेस लगा लगा के विपक्ष के नेताओं को, पार्टियों को, विपक्षी लोगों को एक तरह से निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है, डराने की कोशिश की जा रही है। कई लोगों को तोड़ तोड़ के बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, ये जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तो ये है, दूसरी बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि केवल नेताओं को, विपक्षी नेताओं को टारगेट नहीं किया जा रहा, देश भर में बिजनेसमैन को भी बहुत बुरी तरह से टारगेट किया जा रहा। आज बड़ा दुख होता है कि पिछले 5-7 साल के अंदर लगभग 12-13 लाख हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का, मतलब जो बहुत अमीर लोग थे, जो देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इंडस्ट्री चलाते थे, जो बड़े बड़े व्यापार चलाते थे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते थे, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी नागरिकता ले ली है। वो भारत छोड़ के चले गए, अपने बिजनेस यहाँ पे बंद कर दिए हैं। उनके पीछे भी ईडी छोड़ रखी है, उनके पीछे इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है। ये पूरे देश के अंदर जो डर का माहौल पैदा किया हुआ है, केवल पॉलिटिक्स में नहीं, बिजनेस में, व्यापार में, इंडस्ट्री में, जो पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश तरक्की नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि हम चाइना से कंपटीशन करें, चाइना से कंपटीशन कैसे करेंगे? चाइना में घर घर में इंडस्ट्री चल रही है, हमारे यहाँ तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनको ही नहीं चलने दे रहे, उनको सबको बंद करते जा रहे हैं, सबके पीछे एजेंसी छोड़ रखी है। ऐसे एजेंसी एजेंसी का गेम खेल के देश तरक्की थोड़ी करेगा। हमें तो वो सारे स्टेप्स उठाने हैं जिससे बिजनेस खूब तरक्की करे, व्यापार खूब तरक्की करे, इंडस्ट्री खूब तरक्की करे। भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। राहुल एक सबूत नहीं है तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे ना लोगों को कुछ काम करेंगे। एक्यूरेंट अप्रूवर के बयान के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हुई थी कि किसको आधार बनाया गया और संजय सिंह को और उनके ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान दिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान दिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे, कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है, ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी एजेंसी, इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर?